खन्ना जी के परिवार में सरोज नाम की एक अत्याचारी महिला रहती थी। उनका बेटा काफी होशियार था और काफी पैसे कमाता था। सरोज अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाती है। अरे भाई साहब, लड़की तो हमें बहुत पसंद है, अब कुछ लेन देन की बात कर ली जाए। बहन जी, मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ, देने के लिए मेरे पास ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं आपको 5 लाख रुपए दे सकता हूँ। वैसे तो 5 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, मेरे बेटे के लिए तो लोग 50 लाख तक देने के लिए तैयार है, पर आपकी बेटी पढ़ी लिखी दिखती है, इसलिए मैं हाँ कर देती हूँ। नेहा के पापा खुशी खुशी हाँ कर देते हैं। बेचारी नेहा अपने सास का सारा काम करने में लगी। शादी के बाद अपने सास को खुश करने का पूरा काम करती, लेकिन सरोज देवी हमेशा उसे ताने सुनाती रहती। अरे मेरे बेटे के लिए तो 50 लाख देने के लिए तैयार थे, लेकिन मैंने तेरे बाप से तो 5-6 लाख लिए, अब घर का सारा काम कर, ये देख बर्तन अभी तक पड़े हैं, माँ जी मैं अभी साफ कर देती हूँ। कुछ समय बाद नेहा प्रेग्नेंट हो जाती है। वो बहुत खुश थी। देख नेहा, मुझे तो घर के लिए एक चिराग चाहिए, ध्यान रहे लड़की नहीं होनी चाहिए। माँ जी ऐसा क्यों कह रही है, आजकल तो लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता। रहने दे, मैं साफ साफ कह रही हूँ, बेटा हुआ तो ठीक है, बेटी हुई तो अपने बाप के घर चली जाना। ऐसा ही होता है, नेहा को एक फूल जैसी लड़की होती है, लेकिन उसका पति और सास उसे अस्पताल से लेने तक नहीं आते। अब मैं क्या करूं पिताजी, मेरी सास मुझे लेने नहीं आई, क्योंकि मैं एक बेटी की माँ हूँ। बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो मेरी ही गलती है जो मैं सरोज जी को पहचान नहीं पाया। तू दुखी मत हो, मेरे साथ अपने घर वापस चल। नेहा के पिता उसे अपने घर वापस ले जाते हैं। नेहा खुशी खुशी अपने बेटी का पालन पोषण करती है, अपने पिता का सहारा बनना चाहती है, इसलिए वो बहुत अच्छे से केक बनाकर बाजार में बेचने लगती है। नेहा के बनाए स्वादिष्ट केक लोगों को बहुत पसंद आते हैं। अब नेहा के पास दिन रात काम के लिए कोई कमी नहीं थी। नेहा धीरे धीरे फैक्ट्री चलाने लगती है। जब ये बात सरोज देवी को पता चलती है, हाय हाय, इतनी काबिल बहू को घर से निकाल दिया, और लक्ष्मी जैसी मेरी पोती, उसे मैं आज ही लेके आती हूँ। सरोज देवी लालच में आ जाती है और अपने बेटे को लेकर नेहा को वापस लाने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। अरे बेटी मुझे माफ कर दो, चल अपने घर, तेरी पोती को मुझसे दूर मत कर, माँ जी मुझे माफ कर दो, अच्छा हुआ जो आपने मुझे आईना दिखा दिया। मेरे पिताजी से एक बार गलती हुई, लेकिन अब हम दोबारा गलती नहीं करेंगे, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी हूँ, अब मैं अपने पिता का सहारा बनूंगी और मैं यही रहूंगी। नेहा की सास खाली हाथ अपने घर लौट जाती है। इसीलिए कहते हैं, लालच नहीं करना चाहिए और बेटियों को हमेशा प्यार और सम्मान देना चाहिए।